हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज 6 अप्रैल को जो जो अपडेट ग्रुप डी के रिगार्डिंग आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो कुछ नोटिसेज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहला जो अपडेट है वो देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे और जयपुर की तरफ से है बेसिकली ये। और यहाँ पे क्या बताया गया, ये आपका जो है अजमेर डिवीजन की तरफ से है। ग्रुप डी की सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत असिस्टेंट SNT, ये SNT का पूरा यहाँ पे इन्होंने अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है, जो SNT जिन स्टूडेंट को मिली है और ये इन्होंने यहाँ पे लिस्ट जारी की है। टोटल इसमें अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की, तो टोटल 100 स्टूडेंट है, जिसमें 30 यहाँ पे UR के हैं, OBC के 21 हैं, SC के 15, ST के 7, EWS के 11, UR के जो CC हैं वो एक कैंडिडेट है, OBC के CC कैंडिडेट 7 हैं, OBC के एक्स सर्विसमैन 2 हैं, PWBD UR VI कैटेगरी के 1 हैं, PWBD UR HI कैटेगरी के 1 हैं, PWBD OBC VI कैटेगरी के 3 हैं, PWBD OBC LD कैटेगरी के 1 अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप। और नीचे डेट आप देखेंगे 3 तारीख की यहाँ पे डेट है, 3 तारीख को ये जारी किया गया है और वेबसाइट पे बाद में आया है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कम्युनिटी में आप जिसमें है वो भी बताया गया, और जिसमें आपने क्वालिफाई किया है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये OBC में इन्होंने UR में क्वालिफाई किया है, ये भी OBC है, UR में क्वालिफाई किया है, ओवरऑल रैंक में यहाँ पर इन्होंने बता दिया। तो 100 स्टूडेंट की पूरी लिस्ट जो है ये अलॉटमेंट की जारी हो चुकी है, और ये PDF में टेलीग्राम में दे चुका हूँ ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन करो और जाके ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में म्यूचुअल ट्रांसफर में हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आगे इन्होंने यहाँ पे वही बेसिक पॉइंट जो हर जगह ये लिखते हैं वो बताएं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इसको आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगला जो अपडेट है बेसिकली वो ज्वाइनिंग के टाइम को लेकर है। देखो ये जो नोटिस है ऊपर 5 तारीख की डेट आप देख सकते हैं, डिविजनल ऑफिस प्रताप नगर वडोदरा की तरफ से जारी हुआ है। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस अस्वाइल ग्रुप डी इन SNT मेडिकल डिपार्टमेंट वडोदरा। तो जिनको यहाँ पे वडोदरा मिला है SNT डिपार्टमेंट में, उनके लिए यहाँ पर ये नोटिस बेसिकली इन्होंने जारी किया। इन कंटिन्यूअस दिस ऑफिस लेटर वाइड रेफरेंस टू इट इज स्टेटेड दैट द शेड्यूल ऑफ विजिट दिस ऑफिस ऑन 8/4/2023 इज पोस्टपोन ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड रीशेड्यूल ऑन 11/4/2023। जिन स्टूडेंट को 8 तारीख को बुलाया गया था, अब उनको 8 तारीख को ना जाके 11 तारीख को जाना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, हिंदी में भी इन्होंने लिख दिया ये, और नीचे यहाँ पे इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिए हैं, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वेस्टर्न रेलवे वडोदरा की तरफ से था। अब ऐसा ही एक और नोटिस वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, ये भी डिविजनल ऑफिस वडोदरा की तरफ से है, 5 तारीख की डेट है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ ये लिखी गई है कि जिनको पहले 8 तारीख को बुलाया गया था उनको 11 तारीख को रिपोर्ट करना है, और सुबह 10 बजे उनको जाना है 11 तारीख को। ठीक है, और इसी को आगे आप देखेंगे हिंदी में भी दिया गया, यहाँ पे भी 2 नंबर दिए गए हैं इनके लिए भी, और वो SNT डिपार्टमेंट के लिए था, और ये इन्होंने नॉर्मली सभी के लिए जिनको भी बुलाया गया था वडोदरा में 8 तारीख को, वो सभी 11 तारीख में जाएंगे, ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया। ये नोटिसेस भी टेलीग्राम में दे दूंगा, जाके अभी देख ले रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो धीरे धीरे डिले हो रहा है। देखो, जितना किसी काम को रेलवे जल्दी करने की कोशिश कर रहा है कि फटाफट से पैनल दे दो, इतना पैनल में गलतियाँ हो रही हैं, फिर स्टूडेंट को बाहर निकाल रहे हैं, कभी स्टूडेंट को चेंज कर रहे हैं, कभी पोस्ट को चेंज कर रहे हैं, लगभग सभी जोन में ऐसा देखने को मिल रहा है। और अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये साउदर्न रेलवे की तरफ से NTPC का एक नोटिस है, और 3 तारीख का ये नोटिस है। बेसिकली यहाँ पे ना ट्रेनिंग शेड्यूल इन्होंने जारी किया कि जो CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट होती है उसका यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल इन्होंने जारी किया कि ट्रेनिंग कब से कब तक चलेगी। देखो, स्टार्टिंग का जो बैच है उसमें 60 स्टूडेंट को बुलाया, 17/4 से ट्रेनिंग चलेगी 15/6 तक, और ऐसे ही ट्रेनिंग चलने वाली है 60-60 स्टूडेंट करके 17/4 से 15/6, उसके बाद 19/6 से 18/8, फिर 24/7 से 21/9, और लास्ट वाला शेड्यूल आप देखोगे ना तो 25/9 से लेकर ये 24/11 तक चलने वाली है, इनकी नवंबर तक यहाँ पे ये ट्रेनिंग चलने वाली है। नवंबर तक ट्रेनिंग मतलब दिसंबर में इनको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी NTPC, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग का टाइम ज़्यादा होता है, तो ज्वाइनिंग ये आप धीरे धीरे कराएंगे, ये बात तो कन्फर्म है। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी में भी कुछ थोड़ा सा लेट लतीफ़ी होने वाली है। देखो, जैसे आपने देखा कि रोजगार मेला की जो डेट है पहले वो आई थिंक 31 मार्च थी, उसके बाद उसको 10 अप्रैल किया गया, अब कुछ जोन से खबर आ रही है कि इसको बढ़ा के 13 अप्रैल कर दिया गया है।
ठीक है, सभी जोन से नहीं लेकिन कुछ जोन से ऐसी खबर आ रही है कि 13 अप्रैल को अब रोजगार मेले का आयोजन होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। और जैसे अगर हम बात करें ईस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे की, तो अभी तक कोई पैनल जारी नहीं हुआ है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में थी, ईस्टर्न रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसी है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और अभी तक कोई पैनल नहीं आया। अभी पैनल आएगा, उसके बाद जो है स्टूडेंट को फिर जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि सारे, जैसे 13,000 की करीब वैकेंसी है नॉर्दर्न रेलवे में, कि 13,000 को एकदम ही बुला लेंगे, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 3-4 पैनल आएंगे, तो बहुत टाइम यहाँ पे धीरे धीरे लगने वाला है ज्वाइनिंग में। जिस तरह से रेलवे ने एकदम से स्पीड दिखाई थी, अब वो स्पीड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। और देखो स्टार्टिंग में आपके जिनको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, ये काफ़ी स्टूडेंट को बुलाया भी जा रहा है, तो मान के चलो कि 30-40% स्टूडेंट जो है उनकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाएगा और ये प्रोसेस फिर वही पूरा 2023 के लास्ट तक चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2018 का प्रोसेस अगर आप देखोगे, अभी तक स्टूडेंट की ज्वाइनिंग आई है, अभी तक भी मतलब 3 साल बाद भी, ठीक है, तो इसमें भी आपको इसमें मानने में कोई संशय नहीं है कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जो है इस साल के लास्ट तक भी जाने वाला है। सभी स्टूडेंट का नहीं, कुछ स्टूडेंट का मैं बोल रहा हूँ कि वो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ अपडेट्स थे, ये मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ।